हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एसएम की गार्डन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पौधों और फूलों में लगे कीड़ों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे फूलों में जो कीड़े लगे हैं। ये देखिए, ये है मेरे मैरीगोल्ड का पौधा, इसमें बहुत सारे कीड़े लगे हुए फूलों में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये फूल में बहुत सारे ब्लैक कलर के छोटे छोटे कीड़े लगे हुए हैं, जिनकी वजह से इनमें बहुत सारी चींटियाँ भी आ गई हैं। और जितने भी फूल खराब हुए हैं, सब में ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीड़े लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं इन सब फूलों को काट देती हूँ, क्योंकि इससे ये मेरे पौधे और जो बाकी फूल और कलियाँ हैं उनको भी खराब कर देंगे। तो ये देखिए, इसमें कितने सारे कीड़े लगे हुए हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल ही बारीक ब्लैक कलर के हैं। तो इसलिए मैं आज इन सब फूलों को काट देती हूँ। ये देखिए, इसमें भी बहुत सारे कीड़े लगे हुए हैं। आज जितने भी खराब और कीड़े वाले फूल हैं, मैं उन सबको हटा देती हूँ, जिससे मेरे बाकी फूल और पौधे खराब ना हो। तो ये देखिए, इसमें भी कीड़ा लगा हुआ है, तो इसके मैंने जितने भी सारे खराब फूल सबको हटा दिया है। अब देखिए, जो फूल बचे हैं, जो कलियाँ बची हैं, उनमें कीड़ा नहीं लगेगा। और ये देखिए, ये है गुलदाउदी का, इसमें भी बहुत सारे कीड़े लगे हैं, तो इसको भी हम काट देते हैं। और ये है मेरा दूसरा मैरीगोल्ड का, इसमें भी कीड़ा लगा हुआ है, जो फूल काफ़ी टाइम से खिला हुआ है, अब वो ख़राब हो गया है, इस वजह से उसमें कीड़ा भी लग गया है। तो उन सबको मैं आज कट कर देती हूँ। और ये देखिए, ये है मेरा गुलदाउदी का पौधा, इसमें सिर्फ दो ही फूल बचे थे, आज मैं उनको भी हटा देती हूँ, क्योंकि ये फूल अब काफ़ी हद तक ख़राब हो गए हैं। तो दोस्तों, आज मैंने अपने सभी खराब फूलों को और कीड़े वाले को सबको हटा दिया है। और ये देखिए, ये है मेरे मैरीगोल्ड के, और इनमें भी जो खराब फूल है, मैं उनको कट कर देती हूँ। ये देखिए, इनको भी मैंने हटा दिया है। जो बाकी फूल बचे हैं, वो अभी अच्छे लग रहे हैं और ख़राब भी नहीं है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, तो इनको अभी मैं नहीं कट करूँगी। तो ये देखिए, फूलों और जो कोलियस के पौधे हैं, उनसे गार्डन कितना सुंदर लगता है। जब फूल भर भर के खिले हों, तो गार्डन की रौनक बढ़ जाती है। ये देखिए, जैसे इन मैरीगोल्ड के पौधों में फूल खिले हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा वही मैरीगोल्ड का पौधा, इसमें मैं अभी थोड़ी गुड़ाई कर देती हूँ। ये देखिए, इसमें अभी कुछ कलियाँ आई हैं और फूल भी खिले हुए हैं, इसलिए इसमें मैं गुड़ाई कर देती हूँ। ये मैंने इसकी गुड़ाई कर दी है। और ये देखिए, जो खराब फूल थे उनको मैंने सबको हटा दिया है। ये देखिए, इसमें मैरीगोल्ड के और गुलदाउदी के फूल हैं, इन सबको मैंने काट दिया है आज। और ये देखिए, ये है पेंजी, जो सबसे प्यारा और सुंदर फूल है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और इसका कलर भी कितना प्यारा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जिन फूलों और पेड़ों में कीड़ा लगा है, उनसे हम कैसे छुटकारा पा सकें। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें किस तरह से स्प्रे किया है। तो ये देखिए, ये मैंने 2 लीटर की बोतल, इसमें मैंने नीम ऑयल डाला है, जो मैं अभी कीड़े वाले पौधों में इसका स्प्रे करूँगी। इसमें मैंने 1 लीटर पानी लिया है, और 5 ml नीम का ऑयल डाला है। तो इसका स्प्रे हम उन पौधों पे कर सकते हैं जिन पर
कीड़े वगैरह का अटैक हुआ है, जैसे वाइट फ्लाई वगैरह लग जाती है, तो ये उनको ख़त्म करने का काम करता है। ये देखिए, ये पौधा मैं परसों लेके आई थी, और इसका देखिए अभी धूप की वजह से कैसी हालत हो गई है, धूप में रहने की वजह से। और ये देखिए, ये दूसरा पौधा, ये भी मैं परसों ही लेके आई थी, तो आज ये पूरे दिन धूप में रहे, इसकी वजह से ये देखिए इनकी कैसी हाल हो रहा है। और तो चलिए अब हम अपने पौधों में नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। तो ये देखिए मैरीगोल्ड का पौधा है, इसमें काफ़ी कीड़े लगे हुए थे, तो इसलिए हम इसकी हर एक डाली पे नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे, और जिससे कीड़े वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे, वाइट फ्लाई भी इससे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नीम ऑयल का टेस्ट ऐसा होता है जो कीड़े वगैरह उन्हें पसंद नहीं करते और सब ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, नीम ऑयल का स्प्रे हम अपने उन पौधों में भी कर सकते हैं जिनमें कीड़े ना लगे हों, हर 15 दिन में या महीने में एक बार इसका स्प्रे कर सकते हैं। और जिन पौधों में या फूलों में कीड़ों का अटैक हुआ हो, उनमें हम 3 से या 4 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि नीम ऑयल कोई केमिकल वगैरह नहीं होता इसमें, इससे हमारे पौधों में कोई नुकसान नहीं होता और इसमें कोई केमिकल वगैरह भी नहीं होता। तो हम अपने सब पौधों में नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, परसों बारिश की वजह से आपने मेरे गार्डन देखा होगा, मेरा गार्डन कितना अस्त व्यस्त हो गया था, इसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी। अब देखिए, मैंने फिर से इसको ठीक कर दिया है और पूरा वैसे पहले जैसे ही बना दिया है। और देखो, आज रात को अगर फिर बारिश आई तो फिर से पेड़ पौधे मेरे ख़राब हो जाएंगे, जो फूल बचे हैं उनमें भी बारिश गिरने के बाद वो ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए, ये फूल बचे हुए हैं अभी। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरी मनी प्लांट लगा रखी है मैंने यहाँ पे, और ये मैरीगोल्ड का, ये लेमन ग्रास, ज़्यादा करके अब मेरे गार्डन में ये वाले ही फूल बचे हुए हैं, क्योंकि ये लेट खिले थे इसलिए अभी यही फूल बचे हुए हैं, क्योंकि गुलदाउदी वगैरह के तो सारे फूल अभी ख़राब ही हो चुके हैं, उन सबको मैंने निकाल दिया है, कट कर दिया है। और अब उन पौधों को मैं अगले साल के लिए सेव करके रखूँगी, ताकि अगले साल उनसे मैं और कटिंग लगा सकूँ और अच्छे फूल ले सकूँ। और ये देखिए, ये है मेरा कोलियस का, ये भी बारिश की वजह से पूरा झड़ गया, इसके पत्ते वगैरह सब झड़ गए थे, और अब देखिए कैसे लग रहा है। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन बाद में ये फिर से वैसे ही हरा भरा सा हो जाएगा, और इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और जो दूसरा कलर था वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, और उसके भी सारे पत्ते वगैरह सब झड़ गए थे बारिश और ओलों की वजह से। तो दोस्तों, मेरे पास 4 से 5 कलर है कोलियस के, और ये देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर है, पिंक कलर की। और एक ये वाला, ये देखिए इसका भी कलर कितना प्यारा है कोलियस का, मेरे पास 4 से 5 कलर हैं इसके। तो दोस्तों, फूलों से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं कोलियस के पेड़ पौधे, क्योंकि इनमें कलर इतने प्यारे प्यारे होते हैं। और ये देखिए, ये है हैरिस्टोक का पौधा, इसमें भी देखिए पर्पल कलर के फूल आए हैं, और ये भी 2-3 तरह के कलर में आता है, लेकिन मेरे पास इसका एक ही पौधा है, ये मेरे पास सिर्फ एक ये ही कलर है इसके इसका। और नर्सरी में इसके और भी कलर मिल जाते हैं,
तो दोस्तों ये देखिए इसमें ऐसे लंबी तरह से फूल आता है। और ये देखिए ये है मेरा पेंजी का, इसमें तीन कलर है और ये येलो वाला है, ये पर्पल और वाइट कलर का है। ये डेंथस देखिए, मैं आपको दूसरा डेंथस दिखाती हूँ, ये है रेड कलर का। और ये देखिए ये है मेरे सारे पेड़ पौधे, ये देखिए मैं आपको घूम के दिखाती हूँ, ये है मेरे गार्डन का पूरा ओवरव्यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बाय दोस्तों।